हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पीयूष और आपका स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। आज का दिन थोड़ा अजीब सा शुरू हुआ। पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर समझाऊंगा। ये देखिए, तो भाई ये वीडियो देख के आप समझ ही गए होगी, फायर अलार्म बज गया था हमारे घर का और बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई थी। तो इस चक्कर में हुआ क्या था कि हमारे जो ऊपर रहते हैं लोग, उन्होंने घर में कुछ किया जिसकी वजह से स्मोक वगैरह हो गया था, तो फायर अलार्म बज गया। तो फायर ब्रिगेड आ गई, भाई कम से कम 7 गाड़ियाँ आई थी। उनको शूट करना अलाउड नहीं होता है इस पर, फिर भी मैंने थोड़ा सा बना लिया कि मैं दिखा तो दूंगा आप लोगों को क्या होता है। तो उन्होंने हमारा घर भी पूरा चेक किया, उनका भी चेक किया। हम कुछ कर ही नहीं रहे थे बेसिकली। मैं तो सो ही रहा था और ऋषभ भैया भी साथ में सो ही रहे थे। हम ना कुछ बना रहे थे ना कुछ, कि हम बोलते कि खाना बना रहे थे, चक्कर में धुआं वुआ हो गया। तो ऊपर ही कुछ दिक्कत थी, उसकी वजह से एक ही पूरा घर अपार्ट घर होता है। तो उन्होंने आके चेक वेक किया, फिर वो चले गए। वरना अगर आपके फॉल्ट की वजह से ये अलार्म बज जाता है तो अराउंड $200 पर गाड़ी देना पड़ता है, जितनी भी फायर ब्रिगेड आ जाती हैं। तो पैसे देने से तो बच गए। फिर हम सो के उठ गए थे, तो हमने सोचा कि चलो विंटर्स की जैकेट ही ले आते हैं। तो अब जा रहे हैं माउंटेन वेयर हाउस जाएंगे, जैसे आपको पहले दिखाया था एक बार। माउंटेन वेयर हाउस जा सकते हैं, जहाँ विनर स्टोर है या मार्शल्स, किसी पे भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कौन सी जैकेट लेनी चाहिए और कौन सी नहीं, और हम कौन सी लेते हैं वो भी। बाकी भाई अभी आज मौसम बहुत तगड़ा हो रहा है। अभी तक तो मेरे को पता ही नहीं था, जब बाहर आया तब पता चला कि बारिश हुई है और चारों तरफ एकदम मस्त ठंडी हवा चल रही है। और मेरी आवाज़ आज आपको पता नहीं कैसी आ रही है, पर आज ये पहली वीडियो है जब मैंने माइक मंगा लिया है और मैंने माइक अटैच कर रखा है अपने फ़ोन के साथ। फ़ोन के ऊपर ही मैंने माउंट कर दिया है, माउंट से अटैच करके। तो होपफुली आवाज़ अच्छी आ रही होगी आप लोगों को। तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता ज़रूर देना कि आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आगे फ्यूचर की वीडियो भी बनाते रहेंगे। अभी मैं पहले आपको आसपास का नज़ारा दिखाता हूँ, क्योंकि पत्ते झड़ना शुरू हो चुके हैं और एकदम मस्त लगता है अब यहाँ पर। रुको, तो भाई जैसे ये पत्ते वत्ते पड़े हुए हैं तो फॉल के सीज़न में गिरते ही हैं। जैसे ये पेड़ देख रहे हो, सारे ऐसे ही हो जाएंगे, और जैसे सर्दी आनी शुरू हो जाएंगी, ये सब ऐसे देखने के बाद आपको ऐसे ही पड़े हुए दिखेंगे। मस्त लगता है, चारों तरफ है। आज तो बारिश भी हुई है तो अच्छा लग रहा है, मौसम वौसम सब बढ़िया है। अभी हम 3 ही हैं, राहुल भैया आज फिर से लेट है। तो उनको दिक्कत होती है कि जब भी मैं व्लॉग में बोल देता ना कि उनकी वजह से लेट हो रहे हैं, पर अब यार हो रहे हैं तो हो रहे हैं, अब बताना तो पड़ेगा ही, सबको बताना ज़रूरी है। तो अब जा रहे हैं। अभी मेरे को भी नहीं पता कि हम पहले कहाँ जाएंगे, तो आपको साथ साथ लाइव अपडेट देंगे, क्योंकि कोई आपके सामने पूछूंगा मैं भी। कोई नहीं, आपको भी ऐसे पत्ते हटाने पड़ेंगे फॉल के सीजन से। भाई बहुत हो जाते हैं, देखो इन्होंने साफ कर चुके हैं, वो बेचारे कर रहे हैं, उनके घर के सामने लगे पड़े हैं भाई अकेली। भाई आप लोग मानोगे नहीं, पर ये देश है बहुत अच्छा, पर एक जो कमी है देश में, यहाँ का वेदर समझ में नहीं आता है। कल यहाँ पर इतनी ठंड थी कि मैं ऐसे कैप वैप पहन के विंटर वाली तब बाहर निकल रहा था, मतलब इतनी ठंड लग रही थी। आज मुझे इस एक जैकेट पहन रखी है, इसमें भी गर्मी लग रही है। मतलब राहुल भैया पहन गए थे, उन्होंने तो उतार के मेरे बैग में रख दी। तो वेदर समझ में नहीं आता। मैंने अभी इनसे कहा कि वेदर समझ में नहीं आ रहा है, कह रहे आएगा भी नहीं। तो मैनेज कर रहे हैं, मतलब अच्छा लगता है कि थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चले, पर एक दिन इतनी ठंड, एक दिन इतनी गर्मी, पता नहीं अभी कितना टेम्परेचर हो रहा है। भाई बहुत छोटे देख के बताए थे, पर अभी जा रहे हैं बस की तरफ, फिर आपको बताते हैं जा रहे हैं। पहले एक जगह जा रहे हैं, ऋषभ भैया का थोड़ा काम है, फिर वहाँ से जाएंगे हमारी जैकेट लेने, तब मैं आपको दिखाऊंगा। ऋषभ भैया वाला काम नहीं दिखाऊंगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। चलिए,
तो भाई जिस काम के लिए आए थे वो तो कर लिया है। आप सोच रहे हो क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह साइन कर रहे थे, तो वो आपको बताएंगे, थोड़ा सरप्राइज है। अभी जैसे भी सीन बैठेगा उस चीज़ का फिर आपको बताएंगे, कोई बड़ा ही सरप्राइज होगा। तो हाँ, तो बाकी जैसा भी होगा आपको बताते रहेंगे साथ के साथ, अभी तो नहीं बताऊँगा। तो अभी जा रहे हैं हम स्क्वायर वन मॉल वापस से जैकेट लेने के लिए, क्योंकि अब जैसे विंटर्स आने वाली हैं तो चाहिए जैकेट वगैरह, तो इंडिया में मिलती नहीं, मतलब मिल जाती हैं, तो वहाँ से लाने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आके लें तो ज़्यादा सही है। अब फिर आपको बताएंगे कि -30 वाली भी चल जाती है कि -50 वाली लेनी चाहिए, क्योंकि हमने चेक किया था तो पिछले साल टेम्परेचर गया था -22 के आसपास, तो -30 इनफ रहनी चाहिए। बाकी वहाँ जाके ही पता चलेगा कि क्या कैसे रेट्स वगैरह हैं, फिर उसके बाद बताएंगे। मेरे को एक जैकेट लेनी है और सोच रहा हूँ एक और स्वेट शर्ट टाइप कुछ ले लूँ अंदर बंद पहनने के लिए उस जैकेट के। ये जैसी आवाज़ सुनी यहाँ पे बहुत नॉर्मल है, ठीक है, हर दूसरी गाड़ी में अगर नहीं भी आती है तो बाहर से लगवा लेते हैं साइलेंसर वगैरह, तो बहुत ही नॉर्मल है। वैसे हम लोग शॉपिंग के लिए मंडे को जाने वाले थे, क्योंकि मंडे को छुट्टी है सब लोगों की। यहाँ पे कनाडा का कोई फेस्टिवल होता है, जो फेस्टिवल कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं, थैंक्स गिविंग, तो उसकी छुट्टी है सब लोगों की। तो हम सोच रहे थे मंडे को जाएंगे, पर फिर हमने दिमाग लगाया और हमें सोचा कि सैटरडे से ही लॉन्ग वीकेंड शुरू हो जाता है यहाँ पे, सैटरडे संडे मंडे छुट्टी है, तो डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा आज भी। तो हमने कहा आज ही फ्री है सब लोग तो आज ही चल लेते हैं, फिर घर पर आके असाइनमेंट वगैरह भी करना है, तो इसलिए हम आज ही जा रहे हैं। बाकी भाई एक चीज़ है, जैसे पिछली बार आप लोगों को पता ही है कैनेडियन टायर में मेरे को रोक दिया था कि आप ट्राईपॉड वगैरह से नहीं शूट, मतलब शूट नहीं कर सकते, वीडियो नहीं बना सकते हो। हमने बताया भी था यूट्यूब के लिए चाहिए और ऐसे ऐसे भैया ने बात करी थी, पर उन्होंने मना कर दिया। तो इस बार मैं अंदर वीडियो बनाऊँगा और आपको सही से दिखाऊँगा अभी, पर स्टार्टिंग मतलब एंट्रेंस थोड़ा दिखाना बंद कर दूँगा कि एंट्री कैसे होती है मॉल वगैरह में, क्योंकि एंट्रेंस भी गार्ड वगैरह होते हैं, वो वहीं पर टोक देते हैं कि आप वीडियो नहीं बना सकते, तो फिर ना इतनी हिम्मत नहीं होती कि दोबारा कैमरा निकालो। तो अंदर जा के वीडियो शुरू करूँगा जब मैं अंदर पहुँच जाऊँगा गार्ड्स वगैरह की, मतलब सिक्योरिटी से आगे निकल जाऊँगा, ताकि वो एक बार अगर आके हमें टोक भी दें तब हम कैमरा अंदर रख लें और तब तक थोड़ा सा कुछ शूट कर ही लेंगे ना भाई। तो एंट्रेंस शायद मैं ना दिखाऊँ, अंदर जाने के बाद जैसे स्टोर के अंदर भी जाएंगे माउंटेन वेयर हाउस के, तब अंदर जाके दिखा दूँगा कि रेट्स क्या क्या है, पर एंट्रेंस मैं थोड़ा अवॉइड करूँगा। मुझे ये बताना था अभी बस का वेट कर रहे हैं, ये बस वाली टेंशन भी कुछ दिनों में शायद दूर हो जाएगी, तो देखते हैं। भाई बस स्टॉप देख रहे हो, ये चारों तरफ से ग्लास का होता है, मतलब शायद मैंने पहले बता रखा है कि नहीं बता रखा वीडियोज में, पर माइक है तो आज सही से बता पाऊंगा। जब तो ये ना सर्दियों में बहुत काम आता है, जैसे बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो लोग इसके अंदर खड़े हो जाते हैं बस का वेट करने के लिए। तो भाई अब भी जैसे यहाँ पे ना बहुत तेज़ हवा चल रही है, अब शायद माइक सही है तो शायद आवाज़ ना आ रही हो शायद, क्योंकि एडिटिंग के टाइम ही पता चलेगा। तो लोग इसके अंदर खड़े हो जाते हैं, जैसे इसको फ्लैग को देख के पता लगा सकते हो हवा कितनी तेज़ चल रही है, तो लोग इसी के अंदर खड़े हो जाते हैं। और ये विंटर्स में ऐसे मतलब स्वर्ग वाला काम कर देता भाई, भैया बता रहे थे ऐसा। अब हमें बर्फ़ पड़ने वाली है, वैसे शायद इस महीने पड़ जाएगी, अक्टूबर चल रहा है कह रहे हैं, एंड ऑफ अक्टूबर तक बर्फ़ पड़ जानी चाहिए जितना लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं अभी। भाई ये इतनी लंबी लाइन जो है टिम की लग रही है, भाई तो बहुत देर से बस में ट्रैवल कर रहे थे ना, तो टिम हॉर्टन्स दिख नहीं रहा था, तो अजीब अजीब से लगने लग गया था कि कनाडा से बाहर तो नहीं आए कहीं, क्योंकि हर चौराहे पे दिख ही जाता है। अब मॉल में घुसते सबसे पहले एंट्रेंस तो यही है, तो लाइन में तो नहीं लग रहे,
मोबाइल से ऑर्डर कर सकते हैं तो उसकी मतलब ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं, तो उसका अलग एक लाइन लगती है छोटी सी, तो ऐप से ऑर्डर कर रहे हैं और साइड से ले लेंगे, लाइन में कौन लगेगा। सही चीज़ है ये भी, हर तरह जैसे इंडिया में हर चौराहे पे एक चाय वाला मिल जाता है, वैसे ये चाय वाले की तरह। हमारी कॉफ़ी की सफलता, भाई लोग भीड़ देख रहे हो, पहले चलते हैं माउंटेन वेयर हाउस। देखो ऐसी जैकेट होती है -30 वाली है, इसमें भी सेल वगैरह मतलब अगर दो लोग 20% ऑफ, तीन लोग 30% ऑफ। अभी देख रहे हैं पर कोई सही सी नहीं लग रही, -30 वाली जैसे मेरे को ये अच्छी लगी थी ये वाली, पर ये है $209 की, तो अभी देखते हैं। यहाँ पे और भी ऐसे टोपिया वगैरह ये बाय वन गेट वन में, तो देखते हैं फिर बताते हैं। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये जो पेन रखी है ये $100 की है, तो बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा है कि अगर दो लोगे तो $50 की एक पड़ेगी, तो मेरे को तो ये अच्छी लग रही है, भैया भी देख रहे हैं। पर ये माइनस डिग्री वाली नहीं है, ये मतलब जो हल्की फुल्की ठंड होती है 5-6 डिग्री के आसपास उसे पहन भी जा सकते हो, माइनस वाली भी देखेंगे तब आपको वो भी दिखाएंगे। तो भाई जैसे ये लोअर्स हैं $40 के हैं, मतलब 40 का एक है, ठीक है, अगर दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं दो आ जाएंगे, और मतलब 20 ही पड़ेगा एक पे, तो सही है। मैंने बाकी ये जैकेट लिया है, सही से बताएंगे भाई। देखो आप दूर दूर तक देख सकते हो कि सब पे बाय वन गेट वन चल रहा है, और रेट भी बहुत सही है। ये स्टोर कौन सा है मेरे को पता नहीं है, बाहर निकल के भी देखा था, वहाँ कैप वगैरह सब कुछ ठीक है। जैसे इसके प्राइस देखूं, देखो जैसे ये है आपका $40 का, और इसमें बाय वन गेट वन है, तो कोई दो लोग ले लो $20 एक पे पड़ेगा, सही है। और जूते वूते देखते हैं जूते पे क्या चल रहा है, लाइन बहुत लंबी है तो पहले लाइन में लगते हैं। भाई वही वाली जैकेट जो मैं दिखा रहा था, वही भैया को लाइन में खड़ा करे आए हैं कि आप पैसे वैसे दो, तब तक हम दूसरा स्टोर देख के आते हैं, क्योंकि अभी एक और जैकेट चाहिए वो माइनस वाली जो -30-50 तक काम आ जाए, तो वही ढूंढने के लिए निकले हैं। अभी चेक कर रहे हैं कि कौन से स्टोर पे जाना चाहिए, कहाँ पे हमें सही रेट मिल जाएगा, बाकी भीड़ तो आप पैसे देख ही रहे हो ना। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोविड खुदा के बोल के गया था, ख़त्म हो गया हूँ मैं, जिसने लोग इतना खड़े हुए हैं भाई, इतनी भीड़ है, इतनी तगड़ी, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत भीड़, सब्सक्राइब कर देना ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ अभी कहीं जाते हैं। भाई यहाँ पे ये फुट लॉकर में है अभी, ये जूते वगैरह देख रहे हो जैसे कितना कड़ा लग रहा है, ये है $170 का, $170 का, सही नहीं है, मतलब मोस्टली सारे ऐसे होंगे 170-160 इसी रेंज में। ये है पूमा का, ये है $190 का, 50% ऑफ भी चल रहा है इसमें, मतलब ये टैग्स वगैरह लगे होते हैं, आप भी देख सकते हो। मेरे को तो ये कड़ा लग रहा है, अभी देखता हूँ। ये देख रहे हो ये $60 का है, मस्त लग रहा है ना। ये स्निकर सेक्शन है पूरा, ये $40 के है, मतलब रेट वगैरह आप खुद देख सकते हो, मतलब भरमार है भाई, अच्छी कलेक्शन अच्छी है इनकी। मैं देख रहा हूँ भीड़ गायब हो गई, मॉल बंद हो चुका है, पर हमारे हो ही नहीं थी शॉपिंग खत्म, इतना खाली अच्छा लगता है, पर दुकानें खुली हों तो। अभी लास्ट वाले स्टोर से फुटलॉकर से हमने राहुल भैया ने एक हुडी ली है अपने लिए, और एक नाइकी के शूज़ लिए दीपू भैया ने, घर जाके दिखाएंगे। अभी तो भाई इतनी हवा ख़राब हो रखी है, सुबह से घर से निकले हुए हैं, अब शायद घर जाके ही बताऊँगा, और कुछ दिखाना होगा तो वो भी घर जाके दिखाऊँगा क्या क्या लिया है और क्या नहीं। चलो तो भाई आप लोग समझ ही गए होंगे कि
कि इस बार मैं पता नहीं कैसे, या मैंने वीडियो बनाई थी कि नहीं बनाई थी मुझे सच में भी याद भी नहीं है, पर इस वीडियो की एंडिंग मुझसे रह गई तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर भी करना चाहूँगा, अच्छी बात रह गई तो। पहली एक सरप्राइज़ के बारे में और बाकी जैकेट्स के बारे में। पहले आपको जैकेट के बारे में बताता हूँ, जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा। तो देखिए, ये है पहली जैकेट जो मेरी है और ये भैया की है। ये दोनों ही मिला के $100 की आ गई, मतलब कोई डिस्काउंट वगैरह चल रहा था तो $50 की एक मान लेते हैं, तो 100 की दोनों डिस्काउंट वगैरह पे। बाकी ये कोई भी डाउन जैकेट्स नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल जैकेट्स हैं जो आप पहन सकते हैं। ये अंदर से नॉर्मल है पर ठंड वगैरह नहीं लगती है क्योंकि हवा वगैरह बिल्कुल नहीं जाती है। बाकी अब डाउन जैकेट्स कैसे होती हैं, ये ऋषभ भैया की है जो -40 तक पहन सकते हैं। ये अंदर से ऐसी दिखती हैं, देख सकते हैं आप। तो ये डाउन जैकेट्स ही काम आती हैं, ये हमने ले ली हैं और मतलब अभी तक तो हमें ये सही लग रही है पहनने के लिए। पर मैंने एक और जैकेट ली है जो -30 के लिए काम करती है, वो अभी है नहीं, ऋषभ भैया गए हैं तो वो अपनी छोड़ गए हैं, मेरी पहन गए हैं। तो वो वाली जैकेट भी बहुत अच्छी है, -35 तक चलती है। मेरे को वो $180 के आसपास की मिल गई थी तो मैं वो भी लेके आ गया था, पर उस दिन नहीं लाया था, उसके बहुत बाद में लेके आया, वो उसका व्लॉग आपको आगे दिख जाएगा। और बाकी जो मैंने कहा था कि हमने फुटलॉकर से शूज़ लिए थे तो वो दिखाता हूँ भाई। ये वाले लेके आए थे हम लोग, ये थोड़े गंदे हो रहे हैं। ये थे $130 के और वहाँ पे हमें एक और शूज़ अच्छे लगे थे, वो थे पूमा वाले, वो ये हैं, ये मैं रेगुलर पहन रहा हूँ तो इसलिए यहाँ रखे हुए हैं। ये पूमा वाले $70 के हैं और दूसरे वाले $130 के। बाकी जो अब सरप्राइज़ की बात है वो है, जैसे आपने देखा कि भैया को डॉक्यूमेंटेशन वगैरह साइन कर रहे थे, तो कोई बड़ी चीज़ घर में आने वाली है कुछ दिनों में, बस थोड़ा वेट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि आपको आगे पता चलता रहे। तो वो चीज़ क्या हो सकती है, शायद आपको बीच में मैंने एक हिंट दी थी वीडियो के, तो आपको पता चल गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगर ना पता चला हो तो थोड़ा सा वेट करिए, मज़ा आ जाएगा। मतलब सोचा नहीं था इतनी जल्दी वो चीज़, पर अब होने वाली है तो एक्साइटमेंट तो है ही है। बाकी अगर ये वीडियो आपको किसी भी वजह से पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आगे के सरप्राइज़ आपको देखना ही है, मज़ा आ जाएगा भाई सरप्राइज़ में, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत चले जाना वरना वीडियो रह जाएगी आएगी। चलिए, पीस आउट।